गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों आप देख रहे हो अपना ए के आर करंट अपडेट चैनल। दोस्तों जे एंड के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि जे एंड के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं उन्होंने न्यू फिल्म पॉलिसी को लॉन्च किया है, जिसमें न्यू फीचर्स हैं, उसके क्या गाइडलाइंस है, आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख दो, जिससे कोई भी मैं नई वीडियो लो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों जे एंड के फिल्म पॉलिसी, एल जी मनोज सिन्हा लॉन्च द न्यू फिल्म पॉलिसी एट स्किस सेंटर श्रीनगर। तो जो लॉन्च की गई है जे एंड के में फिल्म पॉलिसी 2021 को श्रीनगर ऑन द सेकंड एनिवर्सरी, जैसे सेकंड एनिवर्सरी ही एब्रोगेट हुई आर्टिकल 370 की, सेकंड एनिवर्सरी हुई, एलजी मनोज सिन्हा ने लॉन्च की है न्यू फिल्म पॉलिसी है शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, स्के सेंटर जिसको बोलते हैं, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर थर्सडे को जो हुआ है। एलजी को पूरी होप थी कि टू ब्रिंग बैक द लॉस्ट ग्लोरी, ऑफ जो ग्लोरी वैली की चली गई थी, मींस कि वो दोबारा वापस आ गई है, क्योंकि बड़ा टेररिस्ट एक्टिविटी का बड़ा थ्रेट था लोगों को। अब लोग आ रहे हैं, बड़े सारे टूरिस्ट आ रहे हैं कश्मीर में। आमिर खान, राजकुमार हिरानी और प्रोड्यूसर महावीर जैन ने एलजी सिन्हा को ज्वाइन किया श्रीनगर में ऑन थर्सडे और लॉन्च की एक न्यू फिल्म पॉलिसी। अर्लियर जो डेलीगेशन थी लीडिंग फिल्म मेकर जैसे इम्तियाज़ अली, नितेश तिवारी, दिनेश विजन, एकता कपूर, अश्विनी अय्यर, संजय त्रिपाठी, लेड बाय जैन मेट सिन्हा, इन सभी ने मिल के सिन्हा जी से मिले थे। एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर नितीश्वर कुमार इन बॉम्बे, एंड शेयर देर सजेशन, उन्होंने सजेशन दिया कि एक नई पॉलिसी ड्राफ्ट की जानी चाहिए, जिससे जो फिल्म शूटिंग को इनक्रेजमेंट मिले जम्मू और कश्मीर में, क्योंकि बड़ी अच्छी खूबसूरती है जहाँ पे। अब हम बात करेंगे जो हाईलाइट है जे एंड के फिल्म पॉलिसी की। जे एंड के की जो फिल्म पॉलिसी 2021 में पली है विल गिव लोकल, जो लोकल टैलेंट जो है उनको नेशनल स्टेज पे लेके आएगा, जिससे उनका पोटेंशियल प्रूव होगा। बाय चूजिंग कश्मीर एज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, बोल रहे हैं कश्मीर को अपनी डेस्टिनेशन चुन के शूटिंग के लिए फिल्म मेकर जो है एक स्टैंड ले सकते हैं और एक इंसेंटिव में गेन कर सकते हैं। जो न्यू फिल्म पॉलिसी है इसका एम जे ही है, इसका बेनिफिट मिलेगा जो लोकल आर्टिस्ट हैं, इंक्लूडिंग डांसर्स हैं, जो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के फैशन डिज़ाइनर्स, एक्टर्स हैं, कोरियोग्राफर हैं, सिनेमाटोग्राफर्स हैं, साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं, सेट डिज़ाइनर और जो दूसरे हैं। इट विल ऑल्सो क्रिएट से एम्प्लॉयमेंट, जो लोकल आर्टिस्ट को उनकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। सिनेमाटोग्राफर और सैबर अदर टैलेंटेड सिटीजन्स जो हैं उनकी भी एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट होगी। अब हाईलाइट और जो नेक्स्ट है इसमें जे एंड के फिल्म पॉलिसी में, जो न्यू फिल्म पॉलिसी है जो प्रोवाइड करेगी एक ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल, जिसमें ग्रांट करेगी एक सिंगल परमिशन हर एक एजेंसीज को कि दो डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर रखे जाएंगे जो अपॉइंट किए जाएंगे, जिससे फिल्म शूटिंग जो है अच्छे तरीके से चल सके। जम्मू और कश्मीर में फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल की वेबसाइट जो है वो प्रोवाइड करेगी हैंड ऑन एक्सेस वेबसाइट पे, जिसमें वो टैलेंट पूल जो है उनको, मीन टैलेंट के जो जो टैलेंट है जिनके अंदर, उनको निखारेगी, उनको देखेगी। एंड ऑल फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशंस भी सब्सिडी दी जाएगी फॉर पैट्रियाटिक और सर्टेन थीम, जो जे एंड के लिए अगर कोई मूवी या सॉन्ग बनता है उनके लिए सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी फॉर शूटिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फिल्म के लिए अगर पैट्रियाटिक थीम पे फिल्म बनेगी या कुछ और। सब्सिडी फॉर फिल्म प्रोड्यूस बाय अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर, जो अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं उनको भी सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी फॉर फिल्म टीवी शो, जो फिल्म टीवी शो है उनके लिए सब्सिडी दी जाएगी, वेब सीरीज़ के लिए, ओरिजिनल शो के लिए, ओटीटी और डॉक्यूमेंट्री के लिए। इसके बाद लास्ट में दिया हुआ है उन्होंने सब्सिडी ऑन अकोमोडेशन, जिसमें स्पेशल सब्सिडी दी जाएगी जिन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग नेशनल फिल्म्स हैं, रीजनल फिल्म है अपने अपने एरिया की इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग हैं, तो उनके लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। तो दोस्तों इसमें सब्सिडी की बात की गई है, अकोमोडेशन स्पेशल सब्सिडी फॉर इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग जो रीजनल फिल्म है उनको। और इसके बाद फाइनली जो नॉन फिस्कल इंसेंटिव, जिसमें परमिशन है, जिसमें एयर ट्रिप जू ये सब कुछ जो है परमिशन दी जाएगी, जिसमें वो कश्मीर की खूबसूरती को देख सकते हैं, निखार सकते हैं, उनको दुनिया के सामने ला सकते हैं। तो दोस्तों इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है
दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस।